हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पनोरमा बुक का जो चैप्टर नंबर 10th है, गोइंग प्लेसेस, वो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं A.R. Barton। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन आई लीव सोफी सैड, जब मैं वहाँ से निकला, सोफी ने कहा, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आते हुए, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, मैं एक बुटीक खोलने जा रही हूँ। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट्स लुक्ड डाउटफुल। जेंसी जो कि गली के बीचों बीच खड़ी थी, वह कुछ संदेह से देखने लगी। टैक्स मनी, सोफ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं सोफ़ी। आई शैल फाइंड इट, सोफ़ी सैड, सोफ़ी ने कहा, मुझे वो पैसे मिल जाएंगे। स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, दूर गली में देखते हुए। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, इतना पैसा कमाने में तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। वेल, अच्छा, आई शैल बी ए मैनेजर देन, तो फिर मैं एक बैंक की मैनेजर बन जाऊंगी। यस, हाँ, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से। टू बिगिन विद, तभी तुम इसे शुरू कर सकती हो। टिल आई हैव गोट इनफ, तब तक मुझे पर्याप्त पैसा भी मिल जाएगा। बट एनीवे, लेकिन फिर भी। आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, मैं जानती हूँ कि इसकी एक बुटीक खोलने के लिए क्या क्या करना होगा। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ, सोफ वो तुमको डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट नहीं देंगे। आई शैल बी लाइक मैरी क्वेंट, मैं मैरी क्वेंट की तरह होंगी, सोफी सैड, सोफी ने कहा। आई शैल बी ए नेचुरल, मैं प्राकृतिक रूप से प्रयास करूँगी। दे विल शी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वो मुझे शुरू से ही इस काम के लिए देखेंगे। आई शैल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटीज़ एवर सीन, मैं इस शहर में एक बहुत ही आश्चर्यजनक दुकान खोलूँगी जो शायद ही पहले किसी ने देखी होगी। जेंसी नोविंग देवर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्कुट फैक्ट्री, जेंसी क्या तुम जानती हो, वो दोनों ही बिस्कुट के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। बिकेम मेलनकोली, वो दोनों ही आनंदित हैं। शी विस्ड सोफ़ी वुड नॉट से दीज थिंग्स, उसकी इच्छा थी कि सोफ़ी ये सब बातें ना कहे। वैन दे रीच्ड सोफीज स्ट्रीट, जेंसी सेड, जब वो सोफ़ी की गली में पहुंची, तो जेंसी ने कहा, इट इज़ ओनली ए फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अभी केवल कुछ ही महीनों पहले की बात है। सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल, तुम वास्तव में बहुत भावुक हो। दे डू नॉट पे वेल फॉर शॉप वर्क, वो किसी भी दुकान के कार्य के लिए पर्याप्त पैसा नहीं देंगे। यू नो दैट, तुम जानती हो, योवर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे पिताजी इसके लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। और एन एक्ट्रेस, और एक नायिका बनने के लिए, नाउ देयर इज़ रियल मनी इन दैट, वास्तव में नायिका बनने में ही वास्तविक पैसा कमाया जा सकता है। यस, हाँ, एंड आई कुड मे बी, और मैं ऐसा कर सकती हूँ, हैव द बुटीक ऑन द साइड, और फिर उसके साइड में ही एक बुटीक खोल सकती हूँ। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, जो नायिकाएँ होती हैं वो पूरे समय में कार्य नहीं करती हैं। डू दे, क्या वो करती हैं, एनीवे, कोई नहीं। दैट और अ फैशन डिज़ाइनर, यू नो, या तो एक्ट्रेस बन जाओ या कोई फैशन डिज़ाइनर बन जाओ, यू नो, तुम जानती हो, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, यही काफ़ी अच्छा होगा। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और वह गली में ही एक दरवाजे खुले घर में घुस गई और जेंसी वहीं बारिश आते हुई गली में खड़ी रही। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी, आई शैल बाय अ बुटीक, यदि मेरे पास कभी पैसे आ जाएंगे तो मैं बुटीक खोलूँगी। इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, यदि तुम्हारे पास कभी पैसे आ जाएँ, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच, यदि तुम्हारे पास कभी पैसे आ जाएँ तो तुम रहने के लिए हमारे लिए एक मकान खरीद देना, धन्यवाद। सोफ़ीज़ फादर वाज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इन टू हिज माउथ, सोफ़ी के पिताजी जो थे वो अपने मुँह में शेफर्ड पाए खा रहे थे। एज हार्ड एज ही कुड गो, जैसे ही वो पास में गए, हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी, उसका पीला चेहरा अचानक चमकने लगा। एंड स्वीट मार्क्ड फ्रॉम द डे, और उसके
पूरे दिन शरीर से पसीना निकलने लगा। शी थिंक्स, वह सोचती है, मनी ग्रोव्स ऑन ट्रीज, कि पैसा जो है पेड़ों पर लगता है। डज नॉट शी, डैड, क्या पिताजी ऐसा नहीं है, सैड लिटिल डार्क, डर्क ने कहा। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, अपने पिताजी की कुर्सी के पीछे की साइड लटकते हुए। देयर मदर साइड, उनकी माँ ने कुछ आह भरी। सोफ़ी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक, सोफ़ी ने देखा कि वह पीछे की साइड लटक रहा था। एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट हाउ विच फास्टेंड हर एप्रंस स्ट्रिंग, वह देख रहा था कि किस प्रकार से उसकी माँ की एप्रन की जो डोरी थी वह लटक रही थी। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक, और इस प्रकार से वह झुका और आगे आया। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज, खिड़कियों से पहले ही शाम काफ़ी अंधेरी दिखाई दे रही थी। एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और छोटा सा कमरा जो था वह स्टोव की गर्मी की वजह से काफ़ी तप रहा था। एंड क्लचर्ड विद द हैवी ब्रीथिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर फ्रॉम द स्टोव एंड क्लचर्ड विद द हैवी ब्रीथिंग मैन, एक गहरी सांस लेने वाला व्यक्ति इन हिज वेस्ट, अपनी एक बनियान में, एट द टेबल, जो कि टेबल पर थी। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड, और गंदे कपड़े, जो कि गंदे कपड़ों का ढेर था जो कि वहाँ पड़ा हुआ था, अप इन द कॉर्नर, एक कोने में। सोफ़ी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, उस समय सोफ़ी को अपने गले में कुछ खरखराहट दिखाई दी। शी वेंट टू लुक फॉर द ब्रदर जियोफ, वह अपने भाई जियोफ को देखने के लिए गई। ही वाज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, उसका जो भाई जियोफ था वह अगले कमरे में फर्श पर झुका हुआ था। टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, उसने अपनी मोटरसाइकिल का एक पार्ट खोल रखा था। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, और उसने नीचे ज़मीन पर कुछ अखबार बिछा रखे थे। ही वाज 3 ईयर्स आउट ऑफ स्कूल एन अप्रेंटाइज मैकेनिक, उसे स्कूल छोड़े लगभग 3 वर्ष हो गए थे। वह एक अच्छा मैकेनिक था। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, वह रोजाना अपने काम से शहर से काफ़ी दूर जाता था। ही वाज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वह मुख्य रूप से अब बड़ा हो गया था। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, और उसके जीवन में उसके लिए कुछ संदेह थे। अबाउट विच शी न्यू नथिंग, जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिनके बारे में उसने कुछ कभी नहीं बोला था। ही सैड लिटिल एट ऑल, उसने अंत में थोड़ा सा कुछ कहा। एवर वॉल्यूंट्री, बिल्कुल धीरे से। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, उसके मुँह से शब्दों का निकलना ऐसे था जैसे ज़मीन में से पत्थरों का निकलना। एंड शी वॉज जीलियस ऑफ हिज साइलेंस, वह अपने भाई की इस चुप्पी से बहुत ईर्ष्या करती थी। वहन ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट वॉज एज दो वहन ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर, जब वह बोल नहीं रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था, इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर, कि वह कहीं चला गया है। आउट देयर इन द वर्ल्ड, इस संसार में कहीं बाहर। इन दोज प्लेसेस, उन स्थानों पे, शी हैड नेवर बीन, जहाँ पे वो कभी नहीं गई। वेदर दे वर ओनली द आउट लेइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, यद्यपि वे संसार, वह इस शहर के स्थानों से काफ़ी दूर जाते, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, और इस पूरे देश की सीमाओं से बाहर जाते, हु न्यू, कौन जानता था। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली, उन्होंने साधारण तौर पर एक विशेष कल्पना को धारण किया था। बिकॉज, क्योंकि दे वर अननाउन टू हर, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल अनजाने थे। एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, और वो उसकी पहुंच से बाहर थे। परहैप्स, शायद, देयर वर आल्सो पीपल, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, एक्सोटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, कुछ ऐसे लोग थे जिनसे शायद वह कभी नहीं बोला। इट वॉज पॉसिबल, ऐसा संभव था।
दो ही वॉज क्वाइट, यद्यपि वह बिल्कुल शांत था। एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, और वह साधारणतः नए दोस्त नहीं बनाता था। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, वह उनको जानने का प्रयास करता था। शी विश्ड, उसकी इच्छा थी, शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शंस, कि वह अपने भाई के सारे स्नेह को प्राप्त करें। एंड दैट समडे, और एक दिन ही माइट टेक हर विद हिम, और एक दिन उसका भाई उसे लेकर जाए। दो देयर फादर फॉर बेड इट, यद्यपि उसके पिताजी इसके लिए मना करेंगे। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जियोफ ने भी इस बारे में कोई धारणा प्रस्तुत नहीं की है। शी न्यू, वह जानती थी, ही थॉट हर टू यंग, वह जानती थी कि उसका भाई अभी उसे बहुत छोटा समझता है। एंड शी वाज इम्पेशेंट, और वह बिल्कुल धैर्यहीन है। शी वाज कंसीशियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड, वह इस बहुत बड़े संसार को देखने के लिए उत्सुक है। आउट दे आर वेटिंग फॉर हर, यह संसार जो उसका इंतजार कर रहा है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, और वह अच्छी तरह से यह जानती थी, दैट कि शी वुड फील एज एट होम, कि वह जैसा घर पर अनुभव करती है। देयर एज इन द सिटी, वह उस शहर में भी ऐसा ही अनुभव करेगी। विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जो हमेशा से उसके घर की तरह रहा है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, यह संसार निश्चित रूप से उसके आने का इंतजार कर रहा है। शी सा हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, उसने अपने आप को कल्पनात्मक रूप से जियोफ के पीछे बैठकर घूमते हुए पाया। ही वोर न्यू, उसने उस समय, उसके भाई जियोफ ने उस समय नई शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, चमकते हुए काले रंग के लेदर की, एंड शी लेदर के कपड़े पहने हुए थे। एंड शी येल्लो ड्रेस, और उसने यानी कि सोफी ने उस समय पीले रंग की एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी, विद अ काइंड ऑफ कैप, और एक कैप ले रखी थी। दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो पीछे की साइड उड़ती जा रही थी। देयर वॉज द साउंड ऑफ एपलोज, वहाँ चारों तरफ खुशी की आवाज़ आ रही थी। एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, ऐसा लग रहा था जैसे संसार उनका स्वागत कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम इसका जो रेस्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।